अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर एसटी 2303 बाहर आ गया है। बाहर आते ही टाइगर ने मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव में 5 युवकों पर हमला कर दिया। आज सुबह करीब 5 बजे एक युवक पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बाइक की रोशनी पड़ते ही टाइगर भागा और युवक की जान बची। इसके बाद 3 और युवकों पर हमला किया। टाइगर के कारण दरबारपुर, अहिर भगोला और बासनी सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। दरबारपुर के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। इसी टाइगर ने 7 महीने पहले कोट कासिम क्षेत्र में एक किसान पर हमला किया था, जिसमें 2 वन कर्मी घायल हुए थे। सुबह करीब 10 बजे टाइगर के पग मार्क दरबारपुर गांव में देखे गए। ये सर क्या मामला है आज का? मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी था रेलवे में, अहिर बोड़ा में मुर्गी फार्म के पास, उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा। उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए। उन्होंने विभाग को सूचना किया। उन्होंने विभाग की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गांव की दर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने तीन व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सनोप जगदीश, एक महेंद्र सनोप रामकिशन, एक वीरेंद्र सनोप धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से खून में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? वन विभाग के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या यहाँ? हाँ, पहुँचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन वन विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुँचे।